नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड 30 अप्रैल को पूरा होने जा रहा है। इसे लेकर रांची सांसद संजय सेठ ने प्रेस वार्ता की। पीएम मोदी का गुणगान करते हुए उन्होंने टेलीपैथी का महानायक पीएम मोदी को बताया। उन्होंने कहा, मन की बात कार्यक्रम समाज में बड़ा परिवर्तन लाने का एक माध्यम बन गया है। उन्होंने मन की बात कार्यक्रम को गागर में सागर भरने वाला कार्यक्रम बताया। कहा, मन की बात का हर संस्करण जनता से सीधा संवाद करने का, प्रेरणा देने का माध्यम रहा। इस प्रेस वार्ता में 76 संगठन ने हिस्सा लिया। और ये मन की बात राजनीति से ऊपर है, कोई राजनीति नहीं करते। समाज को गढ़ना, समाज को बढ़ाना और समाज में जो ऐसा काम कर रहे हैं उनको देश और दुनिया से परिचित कराना, ये प्रधानमंत्री जी के मन की बात। और हम तो कहते हैं जब मन की बात आती है तो गृहिणियां रसोई घर से निकलकर मन की बात सुनते हैं, व्यापारी दुकानों में कष्ट ग्राहक रहते हैं लेकिन मन की बात जरूर सुनते हैं, युवा हॉस्टल में रहते हैं लेकिन खेल कूद छोड़कर कि नहीं, अभी प्रधानमंत्री जी की मन की बात आने वाली है। आज तो रविवार है, अंतिम रविवार है, हमको प्रधानमंत्री जी को सुनना है। और ये मन की बात एक परिणाम, जब परीक्षा आ रही हो तो देश के करोड़ों स्टूडेंट्स को उनको कैसे स्ट्रेस से दूर, कैसे उनको हम कह सकते हैं कि मनोबल बढ़ाना और पूरी तरह जनता से संवाद स्थापित करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की टेलीपैथी हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोगों के साथ हो गई है।